ये जो हॉस्पिटैलिटी इंडिया अवार्ड्स हैं ये पिछले 15 सालों से मैं कर रहा हूँ और मैं सारी टूरिज्म स्टेट्स को कोशिश करता हूँ कि प्रमोट हो जाएं और इनका जितना बढ़िया से बढ़िया मामला बन सके और हम बता सके कि किस स्टेट के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ है जो लोगों ने कहीं हिंदुस्तान के हमारे अपने भाइयों और बहनों ने देखी नहीं है। तो इसलिए मैं ये अवार्ड्स रखता हूँ कि कुछ होटल्स को भी हम अवार्ड देते हैं, टूर ऑपरेटर्स को देते हैं, ट्रैवल एजेंट्स को देते हैं, टूरिज़्म वालों को देते हैं और पब्लिक के उसमें मैं ये करता हूँ कि आम पब्लिक को ये टूरिज़्म अवार्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सिलेक्शन हमारे नॉमिनेशन होता है और जो थोड़ी सी वोटिंग होती है उस पर पता लग जाता है हमारे को किस स्टेट को लोग ज़्यादा चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के तो खैर बहुत लाइकिंग है पब्लिक को, लेकिन छत्तीसगढ़ स्टेट की भी काफ़ी लाइकिंग थी, इसलिए हमने इनको अप्रोच किया था कि इस बार आप हमारी पार्टनर स्टेट बने। तो आज कितने अवार्ड थे, कितने अवार्ड कहाँ कहाँ से थे? आज जो अवार्ड थे वो कुछ लोग तो महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र में कर्जत के थे, लोनावला के थे, नासिक के थे और कुछ अवार्ड्स जयपुर के थे, राजस्थान से कुछ, गोवा के थे कुछ, मसूरी के थे। तो ये सब अवार्ड दिए आज हमने। पूरी इंडिया कवर करते हो इस तरह से कहें? हाँ, मैं पिछले 15 साल से इंडिया पूरी कवर करता हूँ और हर स्टेट का हमारी टीम जाती है, हर स्टेट में जाके ये पता करती है कि कौन सी लाइकिंग है पब्लिक को स्टेट्स किस स्टेट्स की। सुनील रावत जी आए थे आज यहाँ पे। जी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर एमएलए? सुनील रावत जी आए थे, मुझे बहुत खुशी है और उन्होंने इतना टाइम निकाला हमारे लिए और इतनी अच्छी स्पीच दी। महाराष्ट्र को उन्होंने बहुत अपने स्पीच में प्रमोट भी किया और मुझे बहुत खुशी है कि सुनील रावत जी ने आके हमारा मतलब मान बढ़ा दिया, हमारे को बहुत इज्जत मिली है उनके आने से। छत्तीसगढ़ टूरिज्म आपके सपोर्ट कर रहे हैं इसके बारे में? हाँ, इस इवेंट में छत्तीसगढ़ टूरिज्म एक हमारी पार्टनर प्रिंसिपल पार्टनर स्टेट होती है और इस बार छत्तीसगढ़ टूरिज्म हमारी प्रिंसिपल पार्टनर स्टेट बनी है। आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है? आगे फ्यूचर प्लान्स हमारे ये हैं कि मैं इस अवार्ड को करता रहूँगा क्योंकि मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ और हिंदुस्तान के सबसे बड़े अवार्ड्स हॉस्पिटैलिटी इंडिया अवार्ड ही हैं और इस बार सुनील रावत जी ने कहा है कि महाराष्ट्र हमारी टूरिज्म स्टेट बनेगी, प्रिंसिपल पार्टनर स्टेट। Hospitality India is there from last 30 years and this year we completed our 17th annual award in Delhi and 5th annual award in Maharashtra. So I really feel proud to be associated with such an humble group of people who are called hoteliers and they have done amazing job in their fields and we acknowledge them by felicitating them on these occasions. And I'm really grateful to the people who are associated to this industry, who support this industry and run this industry. We have 6 jury members, you must have come to know about it, who are veterans of this industry, who are there from ages. They are like 60 years kind of people, that age group. They select the awardees as per their performance. And that's how it is done. कितने अवार्ड थे आज? There were 41 awardees tonight and we have given away the award to 41. That's it. कहाँ कहाँ से? पूरे इंडिया से थे? All over India but mostly from North India as this was a compact form of hospitality awards we do in Maharashtra. Because of the COVID we have actually reduced size slightly. Otherwise, usually, we have around 60 awards here. Book table book will launch here. Yes, coffee table book is the 6th edition. This was the 6th edition of coffee table book. And this is done to again give them the acknowledgement to hoteliers and tourism people. Chhattisgarh support kar rahe hain. Yes, Chhattisgarh is our principal partner country and they are doing amazing job. What I have come to understand that we are actually missing out on the states like Chhattisgarh. I request everybody to actually see how it has grown in last few years. What's the next plan? Any plan? On 11th of November we are doing a very big award in Delhi which is Hospitality India Tour and Travel Awards. This will be the 17th award. As I just mentioned, this will be the 17th award. हम महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य हैं और यहाँ से टूरिज्म हमारा सब काफ़ी प्रॉस्परस है तो उससे काफ़ी कुछ हमें भी सीखना है, तो इसलिए हमने इस इवेंट के लिए पार्टनरशिप यहाँ किया
और कुछ जो नए चीज़ हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे मैंने आज प्रेजेंटेशन में दिखाया कि जो राम वनगमन पर्यटन परिवर्तन में बहुत सारे नए डेस्टिनेशन हम लोग डेवलप कर रहे हैं। एग्जैक्टली रिलीजियस टूरिज्म नहीं है, पर एक सद्भावना का रूट की तरह है उसको, तो उसका आज प्रेजेंटेशन था। काफ़ी अप्रिशिएट किया आपकी, जो विधायक महोदय सुनील राव जी भी अप्रिशिएट किया, और वो भी देखना भी चाहते हैं, आना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ जो 7 स्टेट हैं नेबरिंग स्टेट से, महाराष्ट्र सबसे बड़ा है, तो उससे महाराष्ट्र के साथ एक जल्दी का MOU साइन करेंगे टूरिज्म एक्सचेंज के लिए। तो उस विजिट इस विजिट में ये भी एक बात हुई, एंड राउत साहब ने इसके लिए काफ़ी अपना अप्रिशिएशन दिया। जो जॉइंट डायरेक्टर आए थे टूरिज्म पे, उनसे ही बात हुई, और ओवरऑल छत्तीसगढ़ टूरिज्म हम लोग स्टेट से बाहर निकल के बाकी जो हमारे, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लाइंट हमारा महाराष्ट्र है और वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तो ये 3 स्टेट तो फोकस एरिया हमारे हैं, तो इनमें हम टूरिज्म एक्सचेंज के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे इवेंट्स और भी जो होंगे महाराष्ट्र में, हम उसमें पार्टनरिंग करेंगे, और महाराष्ट्र के टूरिज्म डिपार्टमेंट को इन्वाइट कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ के, वहाँ भी अपना टूरिज्म को शोकेस करें, हम आपसी कोऑपरेशन में इसको और आगे बढ़ाएंगे।